नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश टाइम्स में। आज हमारे संग बातचीत करने के लिए हैं सहारनपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी नवाब सिंह नागर। सर नमस्कार, उत्तर प्रदेश टाइम्स में। जी नमस्कार सर, आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं, किस तरीके का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है आपको? माहौल नितिन जी बहुत ही अनुकूल है और लोगों में मोदी जी के प्रति बहुत भारी विश्वास है और बहुत आस्था है। इसका बहुत भरपूर लाभ हमें सहारनपुर में भी मिल रहा है और लोगों में ये भाव बना हुआ है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम भारत में हो रहे हैं और मोदी जी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, हमारा देश अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर था, जिसको अपने 10 साल के कार्यकाल में वो 5वें नंबर पर ले आए और इस बार जीतने के बाद 30वें नंबर पर लाने का उनका ध्येय है। और 2047 तक जिस प्रकार से भारत पहले एक दुनिया का सिरमौर देश था, सोने की चिड़िया था, वैसे ही देश बनाने का उनका वो है। इस तरह का लोगों में भाव है कि यदि हमें देश को विकसित बनाना है तो मोदी जी को पुनः हमें लाना पड़ेगा, तो उसका लाभ बहुत ज़बरदस्त हमें यहाँ पर मिल रहा है। सर आप लगातार सहारनपुर के दौरे पर रहते हैं, लेकिन इस बार के जो चुनाव में क्या मुद्दा, जो अहम मुद्दा है वो मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा विशेष रूप से सबसे बड़ा यही है कि देश को हमें आगे बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है, तो हमें माननीय मोदी जी को पुनः देश में लाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, देश के गौरव को सारी दुनिया में बढ़ाया है। आज भारत का नाम सारी दुनिया में है। मोदी जी का जितने भी सर्वे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उनका स्थान है। आज भारत से सब लोग मित्रता करना चाहते हैं, काम धंधा रोजगार करना चाहते हैं और इससे भारत की अर्थव्यवस्था बन रही है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे लाइनें बन रही हैं, एयरपोर्ट बड़ी संख्या में बन रहे हैं, इस सबसे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यहाँ पर जितने हाईवे बन रहे हैं उनके साथ में रोजगार धंधे दुकान व्यापार उद्योग ये लग रहे हैं और इससे हमारा एक बहुत मजबूत भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और कानून व्यवस्था के मामले में भी पहले से बहुत अधिक अच्छा हुआ है। पहले भारत में और उत्तर प्रदेश में लोग आने में हिचकिचाते थे, विदेशी लोग आने में यहाँ पर इन्वेस्ट करने में हिचकिचाते थे, आज यहाँ पर आने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, यहाँ के अपराधियों को माफियाओं को जिस प्रकार से उनका मुकाबला किया है, उससे आज उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित हैं और उत्तर प्रदेश के प्रति और देश के प्रति लोगों में बहुत अच्छा भाव इस समय है और लोग बाग उसी भाव को बनाए रखने के लिए पुनः मोदी जी को अपने देश में प्रधानमंत्री के रूप में लाना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे सामने है। सर इस बार लोकसभा में सहारनपुर में बसपा और समाजवादी पार्टी ने दो मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान है या पिछली बार के मुकाबले जो फाइट है वो टक्कर की दिखाई दे रही है? नहीं, इस बार हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल है और कोई टक्कर वाला मामला दिखाई नहीं दे रहा है और बड़ी इस समय अनुकूल वातावरण है। हमारे साथ लोकदल भी आ गया है, उसका भी पश्चिम यूपी में बहुत अच्छा उसका माहौल पर फर्क पड़ रहा है, तो इस समय पूरे सब लोग उसमें बीजेपी के साथ आ रहे हैं। सब लोग मान रहे हैं कि ये दूसरी पार्टियां इस समय चुनाव के नाम पर केवल औपचारिकता पूरी कर रही हैं, उनमें अभी तक ये भी कोई तय करने की स्थिति में नहीं है कि उनका यदि जीतते हैं तो कौन प्रधानमंत्री होगा, कोई बताने की स्थिति में नहीं है, तो केवल वो औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। बसपा जो पार्टी है जो यहाँ लड़ रही है उसके बारे में भी लोगों में ये धारणा है कि बसपा खत्म होने वाली पार्टी है। पहले मिलकर सपा के साथ लड़ी थी, 10 सीट लोकसभा की ले गई थी और जिस समय पिछले बार अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो मात्र 1 सीट उनको मिली है और इस बार खाते खुलने वाला नहीं है,
इसलिए उनके भी जो समर्थक वोट हैं वो बीजेपी की तरफ बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उनके भी उन्हें भी पता है कि हमारा देश का भविष्य और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करने वाले माननीय मोदी जी हैं, तो उन्हीं को साथ चलने में सबका भला है, देश का भला है। सर, आपने आरएलडी की बात करी, लेकिन अगर वर्तमान में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है कि राजपूत और जाट वर्सेस वेस्ट यूपी में हो रहा है, तो क्या आप देख रहे हैं कि वास्तव रियलिटी में वेस्ट यूपी में जो ठाकुर समाज है वो नाराज है? देखिए, ठाकुर समाज ने अपनी पंचायत वगैरह यहाँ पर करी थी ननोता में, और उस तरह का कुछ भाव उसमें पैदा हो रहा है, लेकिन ठाकुर समाज पूरी तरह से देशभक्त समाज है और राष्ट्रभक्त समाज है, बीजेपी के साथ बहुत मजबूत से जुड़ा हुआ है। जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके प्रश्न हैं, उसके लिए हाई कमान हमारा निश्चित रूप से बात करके उनका निराकरण करेगा और वो सब मजबूती के साथ बीजेपी के साथ रहेंगे, ऐसा पक्का विश्वास है। सहारनपुर में किस तरीके से राजपूत को साधा जाएगा सर? नहीं, सहारनपुर में हमारे हाईकमान अभी माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी आए थे अभी परसों ही, और उन्होंने बड़ी सभा यहाँ पर की है, उसमें बड़ी संख्या में ठाकुर समाज के लोग थे, बेहट में ये हुई थी, और वहाँ सबने बहुत उत्साह के साथ मोदी जी की, योगी जी की और माननीय मोदी जी के जो प्रस्ताव थे, जो उनके काम थे, उनको माननीय राजनाथ जी ने रखा था, और सबकी सबका भारी उत्साह उनके साथ था, और उन्होंने खुद कहा था कि जो उनकी अपनी शंकाएं हैं उनको सबको हम लोग बात करेंगे और उनका निराकरण करेंगे। सर, 14 में राघव लखनपाल और कल जो है, और कल माननीय योगी जी भी यहाँ देवबंद में आ रहे हैं जी, जी। वो भी उनका भी बहुत, उनके प्रति भी बहुत लोगों में उत्साह है, और वो भी कल उस वातावरण को और बहुत अच्छा करेंगे। सर, 2014 में राघव लखनपाल जीत गए थे, 19 में हार गए कम मार्जिन से, लेकिन 24 के इस चुनाव में कितना मार्जिन होगा जीत का? इस बार हमें उम्मीद है कि 2 लाख के लगभग हमारा मार्जिन इस समय हमें इस समय दिखाई दे रहा है, और चुनाव तक अभी कई दिन हैं, और भी उसमें हमें अच्छा होने की संभावना है, और बहुत अच्छे मार्जिन से इस बार हमारे राघव लखनपाल जी चुनाव जीतेंगे। उनके प्रति लोगों में बहुत अच्छा भाव है, वो एक अच्छे नेक इंसान हैं, अच्छे परिवार से हैं, माननीय निर्भयपाल जी के बेटे हैं, उनका बहुत सम्मान इस क्षेत्र में है उसका भी। सहारनपुर में मुस्लिम नेता इमरान मसूद को भी टिकट मिला है, तो क्या इसका जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं, कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, और इस बार हम जा रहे हैं, सभी जगह घूम रहे हैं, तो मुस्लिमों में भी हमें इस बार अच्छा भाव दिखाई दे रहा है, वो सब जगह स्वागत कर रहे हैं, हमारे प्रत्याशी का भी स्वागत कर रहे हैं, हम भी लोग भी जहाँ जाते हैं हमारे प्रति भी सब अच्छा भाव रखते हैं, तो उम्मीद है कि उनमें भी इस बार बीजेपी के प्रति अच्छा भाव है। मुस्लिम समाज जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर? जी जी, मुस्लिम समाज भी भाजपा को कुछ वोट इस बार दे रहा है। गौतम बुद्ध नगर के आप मूल निवासी हैं और सहारनपुर में रह के यहाँ के जो आपके वोटर हैं, जो आपको चाहते हैं, तो उनसे किस तरीके से आप संपर्क में हैं कि मोदी को जिताना है और महेश शर्मा भी उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में वोट देना है, तो वो आप किस तरीके से सहारनपुर में रह के गौतम बुद्ध नगर के जो लोग हैं उनको, उनसे संपर्क में हैं? नहीं, उनसे तो सब लोगों से बातचीत होती रहती है, और सब बात वहाँ सब जानते ही हैं, और वहाँ तो बीजेपी का गौतम बुद्ध नगर गढ़ है, और सब में बीजेपी के प्रति बहुत वहाँ उत्साह है, तो हम भी सब लोगों से 12 महीने मिलते ही रहे हैं, और अब भी फोन वोनों पर बात बात होती रहती है, तो सब लोगों में बहुत भारी उत्साह है, वहाँ भारी वोटों से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी वहाँ से जीतेंगे, अच्छा बहुत अच्छा माहौल है। आखिरी सवाल है सर मेरा, आप भी लगातार गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी की सीट से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान भी कर चुके थे और टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिला, तो आपने पार्टी के हाईकमान से कुछ कहा हो कि हाँ टिकट चाहिए, किस तरीके टिकट नहीं मिला, तो आप नाराज हुए हो? नहीं नहीं, देखिए भाजपा में सबका टिकट मांगने का अधिकार है, और हम भी क्योंकि भाजपा में काम कर रहे हैं तो हमारा भी अधिकार था, उस नाते से हमने भी हाईकमान के सामने अपनी बात रखी, लेकिन हाईकमान जो उचित होता है वो निर्णय लेता है, और हमें उसमें कोई, हमने विरोध वाला कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं है, इसलिए जो प्रत्याशी जो भी निर्णय प्रत्याशी के बारे में भाजपा ने किया है
हम उससे सबसे सहमत हैं, हम उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है जी। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पे आपने हमसे बातचीत करी और हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नितिन जी, धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद जी, नमस्कार।